नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। ब्लॉक परिषद में भारतीय किसान यूनियन और ग्राम विकास अधिकारी के साथ हुआ विवाद। जनपद सिद्धार्थनगर ब्लॉक परिषद में भारतीय किसान यूनियन ग्राम विकास अधिकारी के साथ हुआ विवाद। विकास लोटन के अंतर्गत ब्लॉक परिषद में विकास खंड के सभी ब्लॉक कर्मचारी बैठे धरने पर ग्राम सचिव, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, ग्राम विकास अधिकारी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, जब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। पेशे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, कल जैसा आप लोग जानते हैं कि कल यहाँ पर किसान यूनियन की एक पंचायत चल रही थी, जहाँ कुछ महिलाएं और कुछ किसान भाई अपना पंचायत कर रहे थे। उसी बीच में कुछ हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सचिव मनोज कुमार सेकंड, उनको उनकी ग्राम पंचायत को लेकर कोई मामला आया और उन्होंने वीडियो साहब को, किसान यूनियन के लोगों ने वीडियो साहब को बुलवाया। वीडियो साहब वहाँ आए और वहाँ वो लोग अड़ गए उसी भीड़ में कि तत्काल मनोज कुमार सेकंड को बुलाया जाए यहाँ पर। ना चाहते हुए वीडियो साहब ने फ़ोन करके उनको बुलाया और जब मनोज कुमार यहाँ आए तो उनसे अभी कोई बात हो उसके पहले ही उन लोगों ने अराजकता फैलाते हुए, महिलाओं ने और वहाँ के किसान यूनियन के जो भी नेता लोग यहाँ थे उन सब लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, धक्का मुक्की किया। जात सूचक, अनुसूचित जात के व्यक्ति हैं, उनके साथ जात सूचक गालियों का प्रयोग भी किया गया है और इस मामले को लेकर इतना उनको चोटें भी आई हैं, जिसके क्रम में हम लोग CDO साहब से भी आज मिले हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय इस समय मुख्यालय पर नहीं है, उनके प्रभार को देख रहे हैं। CDO साहब उनसे भी मिले हैं और SP साहब से भी मुलाकात हुई है, CEO साहब से भी मुलाकात हुई है। हम लोग की यही मांग है कि अविलंब उन जो भी दोषी हैं, किसान यूनियन के कर्मचारी जो नेता लोग थे और जो भी लोग उसके लिए दोषी हैं, जो हमारे मनोज कुमार सेकंड ग्राम विकास अधिकारी के साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य किया गया है, वो दोषी लोगों के विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज की जाए और अविलंब गिरफ्तारी की जाए। और अगर उनकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं कराई जाएगी तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन अभी इस ब्लॉक से निकल कर जनपद के अन्य ब्लॉकों में भी चलाएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग पूरे जनपद में कार्य बहिष्कार कर देंगे और तब तक कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर दी जाएगी। यही हम लोग की मांगे हैं।